प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+2 मैथमेटिक्स चैप्टर 8, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चैप्टर 8 की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, इसके लिए मार्क्स की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। यानी कि यहां से, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और ये क्लियरली मेंशन है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे। अरे बच्चों, आम सामान्य वर्षों में क्या होता था कि चैप्टर 8 से हमेशा 6 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था, या ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इसको कह लें कि बड़ा ही क्वेश्चन एक आता था 6 मार्क्स के लिए। उसके और में भी, ऑप्शन में भी एक और अल्टरनेट दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपके बार क्या कहा है कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाए, वेरी शॉर्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 4 मार्क्स का आ जाए और 2 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के आ जाए। तो यहां से भी हमारे पास 6 मार्क्स बन जाते हैं, यहां भी 6 मार्क्स बन जाते हैं। तो अब यहां से क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हालांकि इस चैप्टर में से इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते नहीं है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप ही बनते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से लिए हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें से हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट फोर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमने क्वेश्चन लिए हैं, एमसीक्यूज लिए हैं फर्स्ट फोर, ये आपकी बुक से लिए गए 8.1 और 8.2 से। 8.1 और 8.2 में जो एमसीक्यूज है वो फर्स्ट फोर क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, क्योंकि ये संभावना है कि एज इट इज क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो इस वजह से हमने ये 4 क्वेश्चन वहां से लिए और 4 क्वेश्चन और हमने लिखे हैं यहाँ पे। अब तेरे बच्चे, इसमें कहा गया है कि एरिया लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2 इज। अब पहले बच्चों आप देखेंगे कि x² + y² = 4 यानी कि x² + y² = 2 स्केयर। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 पे सेंटर, और जिसकी रेडियस है 2 का स्केयर है 2। तो मैं अगर इस सर्कल को प्लॉट करता हूं, अगर मैं इस सर्कल को प्लॉट करता हूं तो यहां पे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, यहां पे इस तरह से आप लिख दो -1 -2 -1 -2 और ये 0। अब इसका सेंटर 0 0 पे और रेडियस 2, यहां पे 2 इधर 2। तो इस सर्कल की बात हो गई हमारे पास। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x = 0। x = 0 तो यही होता है y एक्सिस, एंड x = 2, यहां पे 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास सर्कल के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको बिना सॉल्व करें कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। अब आप देखें, एक पूरे सर्कल का ये फोर्थ पार्ट है। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी है 2, पाई इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई। इसका पूरे का जो एरिया है, इसका भी और इसका भी वो 4 पाई है, और हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो इसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पाई/4 यानी कि कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसकी ट्रिक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस पता है तो हम वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट तरीके से हमें करना है तो हम सीधा ही निकाल देंगे यहां से। अब यहां से हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। अब आप देख लें, फर्स्ट में है पाई, ये सारे स्क्वायर यूनिट में पाई, π/2 π/3 π/4, तो ये आंसर आ गया मेरे बच्चों हमारे पास पाई स्क्वायर यूनिट। ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम नीचे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं पहले एक बार। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व देखो पहले बच्चों आपके पास क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारी, ए, यानी कि पाई ए स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द सर्कल, तो क्या बनेगा इसका आंसर, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। प्यारे बच्चों सिंपली हम बहुत छोटी क्लासेस से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, उस तरीके से सोल्व करते हैं, हमें इंटीग्रल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं अगर हमारे पास ये वेरी शॉर्ट में आते हैं तो। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 4। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आ रहा है हमारा 4, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि 16 पाई एरिया ऑफ सर्कल हो गया। हमें कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही 1/4 कर देंगे, 16 पाई के डिवाइड में 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। चेक करें अब आप कौन से है, ये हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट, 16 पाई स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 पाई स्क्वायर यूनिट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे कहा गया है सेवंथ क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अबव एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों इसको एक बार और देख लेते हैं, यह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका सेंटर है 0 0 पे और इसकी रेडियस है 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ऐसे होगा कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, सेंटर 0 0 पे, रेडियस 5, तो यहां पे 5 पे इस तरह से हम इसको, ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा। अब देखो कह रहे बच्चों इसने कहा है कि अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि ये 7। अब कह रहे बच्चों इसकी रेडियस 5 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 25 पाई स्क्वायर रूट, ये इसका पूरे का एरिया है। और हमें अबव एक्स एक्सिस निकालना है, यानी कि इसका और इसका निकालना है, यानी कि ये पूरे का आधा नहीं हो गया, तो कितना हो जाएगा, 25 पाई इसका आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, क्या करना है हमें, हमें ये निकालना है इन दो क्वाड्रेंट में जो है, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस कहा है तो ये दोनों आते हैं। अब अगर हमें एक का निकालना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर दो का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरा निकालना तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इज 25 पाई डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो मेजर बात है समझने वाली उसकी बात करते हैं हम। अब आपके पास अगर सर्कल है, आपके पास अगर सर्कल है, आपको उसको एरिया निकालना है जिसका सेंटर 0 0 पे है, उसका एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ जाएगा। अगर किसी भी एक क्वाड्रेंट में निकालना है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी एक में, तो वो चौथा हिस्सा होगा पूरे का, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, किसी भी क्वाड्रेंट का आ जाएगा, ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ जाते हैं। अब वो कहे कि अबव एक्स एक्सिस, यानी कि दो क्वाड्रेंट का चाहिए, और ये एरिया किसका है, 4 क्वाड्रेंट का, तो इसका आधा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2,
ये अबव एक्स एक्सिस जाएगा। ये अगर वो कहे कि राइट टू वाई एक्सिस, राइट वाई एक्सिस से राइट, फिर भी ये दो आएगी तब भी यही रहेगा, लेफ्ट टू वाई एक्सिस तब भी ये दो आएंगे तब भी यही रहेगा, बिलो एक्स एक्सिस तब भी ये दो आएंगे तब भी यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि सर्कल का क्वेश्चन आ जाए जिसका सेंटर जीरो जीरो है, तो इस तरह से आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमारे पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब प्यारे बच्चों आप देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला और इसका वर्टेक्स कहां पे है, जीरो जीरो पे। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं राइट हैंडेड पैराबोला, ये कुछ ऐसा हो, बिल्कुल रफ प्लॉट करना है आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पे 1 2 3। अब दूसरा वाई इज इक्वल टू 3, देखो ये 1 2 3, तो यहां पे वाई 3 इस तरह से। अब इनके बीच में एरिया आया ये वाला, ये वाला। अब हमारे पास एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला होता है क्या, वाई डी एक्स, अगर x की लिमिट दे हमें पता है x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, और ये होता है x dy, अगर y की लिमिट हमें पता है y इज इक्वल टू ए टू y इज इक्वल टू बी। अब देखो x की लिमिट तो हमें नहीं पता लेकिन y तो पता है, ये तो यहां तो जीरो है और ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है, तो यानी कि ये 3 है, यानी कि हमें y की लिमिट तो पता है कि 0 से 3 है, तो हम x इंटू dy यूज कर लेंगे। तो 0 से लेके 3 x की वैल्यू देख लो इसमें कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्केयर डिवाइड बाई 4, ये x आ गया, 1/4 को तो हमने बाहर लिख दिया और ये आ गया हमारे पास वाई स्केयर डी वाई, एक्स की वैल्यू रख दी वाई स्केयर डिवाइड बाई 4 था तो 1/4 बाहर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास देखो 1/4 तो है ये, इसका इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 ओवर द लिमिट 0 to 3, 1/12 तो बाहर रखा, ये 3 बाहर लेंगे। अब वाई की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 raised to power 3, 27 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 27/12 आ गया, 3 पे कटा तो ये 4 हो रही है 9, तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ये 9/4, तो यहां से हमें मिल गया 9/4। अब आप देख ले 9/4 इसमें कहां पे, 9/4 हमें ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 9/4, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार पहले बच्चों मैं इस 9/4 को चेक कर लेता हूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ये आ रहा है यहां तक फ्रेम में, तो ये 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है समागर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो प्यारे बच्चों ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस इसकी 2 है क्योंकि ये 2 का स्क्वेयर है, और ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट निकालना बेहद आसान है, एक्स और वाई, जब एक्स 0 है तो वाई 2 है और जब वाई 0 है तो एक्स 2 है। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको प्लॉट करते हैं 1 2 1 2 -1 और -2 -1 -2 और ये, अब देखो आप सेंटर 0 0 पे रेडियस 2 यहां तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा, ये सर्कल हो गया। अब लाइन के लिए एक्स 0 वाई 2 ये हो गया और एक्स 2 वाई 0 ये हो गया, याद है। अब इसमें कहा गया था स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन, ये वाला। अब इस एरिया के लिए
ये वाला जो एरिया है इसके लिए सर्कल ऊपर है और लाइन नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड या एनक्लोज्ड एरिया, दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ सर्कल्स, क्योंकि सर्कल ऊपर है तो सर्कल का वाई, सर्कल का वाई कितना होगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस वाई ऑफ लाइन, लाइन का जो वाई है वो टू माइनस एक्स है। अब लिमिट देखो, यहां पे एक्स जीरो जीरो है और यहां टू है, तो लिमिट है जीरो से लेके टू तक। अब प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर है, क्या होता है x डिवाइड बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाय ए प्लस सी। ये 7.7 में है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन 8 चैप्टर के क्वेश्चन, ज्यादातर एलिप्स और सर्कल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो इस वजह से डिलीट होना है ना होना कोई ज्यादा सा बेनिफिट आपको नहीं है उस एक्सरसाइज से। फिर बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ देखो ए ए स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू टू है, तो हम लिखेंगे एक्स डिवाइड बाय टू रूट ऑफ ए एज इट इज फोर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये टू स्क्वायर है, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर है फोर, ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू फोर डिवाइड बाय टू टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय ए, ए की वैल्यू टू ओवर द लिमिट जीरो टू टू माइनस, ये हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 0 टू 2। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो इससे 0 मिलेगा प्लस, यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बाय 2, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2, साइन इनवर्स 1 साइन 1 का होता है 90 डिग्री पे, तो ये पाई बाय 2 अपर लिमिट हो गए, माइनस लोअर लिमिट के लिए एक्स 0 पुट करेंगे तो सारा 0 प्लस साइन इनवर्स 0, यहां एक्स 0 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0, तो इस वाले पार्ट का तो हो गया हमारे पास माइनस, देखो यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस, ये 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा, ये तो अपर लिमिट के लिए होगा, माइनस एक्स की जगह पे 0 और ये भी 0, तो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो पाई आ गया, यहां पर 4 माइनस 2 2, तो ये पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब आप चेक कर ले पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट है क्या, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2, तो पाई माइनस 2 2 पाई माइनस 1 2 इंटू पाई प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में भी आते हैं या फोर मार्क्स में भी आते हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी काम आ जाएंगे और जो शॉर्ट या लॉन्ग आंसर है उसमें भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास एरिया बिटवीन द कर्व y square is equal to 4x and y is equal to 2x। अब ये तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और ये एक लाइन है, इसका वर्टेक्स 0 0 पे है। अब प्यारे बच्चों हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो y की वैल्यू 2x है, इसमें रख दो, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x कॉमन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो 4x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 आ गया, यहां x 1 आ गया, जब x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया, एक तो पॉइंट हो गया 0 0, और जब x 1 हो गया तो y हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 0 और 1 2, एक तो 0 0 पे और एक 1 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप देखिए 1 2 1 2 1 2 शॉर्ट में आपको रफ में प्लॉट करना है। अब आप देखेंगे एक तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है
और ए क्या है हमारे पास लाइन, तो यहां पे ये 0 0, तो राइट एंडेड पैराबोला हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया। लाइन के दो पॉइंट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, देखो यहां पे एक्स और वाई, जब एक्स जीरो तो वाई भी जीरो, वाई जीरो लोगे तो एक्स भी जीरो होगा, तो एक्स वन लेंगे तो वाई टू हो जाएगा, एक्स वन वाई टू यहां पे। तो इस तरह से हमारे पास यह आ गया हमारे पास, हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिल्कुल। अब देखो पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन टू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पैराबोला है हमारा एक्स जब वन है और वाई टू है, एक्स वन है और वाई टू है, यहां से होगा तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से पास करेगा। अब इनके बीच में एरिया ये आ गया, अब इस एरिया में आप देखें पैराबोला ऊपर है और लाइन नीचे है, तो वाई ऑफ पैराबोला और वाई ऑफ लाइन, तो एरिया बाउंडेड, ए बी एरिया बाउंडेड, वाई ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वाई देखे कितना बनेगा, पैराबोला का वाई हो जाएगा रूट फोर एक्स, तो रूट फोर एक्स माइनस इकट्ठा ही कर देते हैं, लाइन का वाई है टू एक्स डीएक्स, और लिमिट है देखो हमारे पास जीरो, और ये जो पॉइंट है वो कितना है वन, एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू वन है, तो जीरो से वन, रूट फोर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं जीरो टू वन, ये तो टू रूट एक्स हो गया माइनस टू एक्स हो गया डीएक्स, टू को मैंने पूरे से बाहर ले लिया क्योंकि इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, अब यहां से टू तो पूरे से बाहर है, ध्यान रखोगे ये एक्स रेस्ट पर वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू हो गया, और यहां पे भी थ्री बाय टू, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा टू बाय थ्री बन जाएगा, माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू ओवर द लिमिट जीरो टू वन। अब देखो एक्स की पावर थ्री बाय टू, एक तो पावर पूरी है और एक आधी है, थ्री बाय टू का मतलब वन एंड हाफ, एक पावर पूरी और एक आधी, उस आधी पावर को, एक पूरी पावर को तो एक्स लिखा और एक आधी पावर को रूट एक्स लिखा। अब इसमें लिमिट पुट करो, एक्स की जगह पे वन पुट किया तो ये टू बाय थ्री बना, क्योंकि ये भी वन है ये भी वन है, माइनस ये वन बाय टू बना, माइनस जब जीरो पुट किया ये भी जीरो और ये भी जीरो, यहां से हमारे पास टू इन टू एलसीएम कितना आ गया इसका सिक्स आ गया, सिक्स एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया फोर, और ये कितना आ गया थ्री, तो ये वन हो गया टू इन टू वन, तो ये टू आ गया टू डिवाइड बाय सिक्स, यानी कि कितना आ गया वन बाय थ्री स्केयर, तो आप इसमें देखेंगे वन बाय थ्री है क्या कहीं, तो फर्स्ट में है टू बाय थ्री, सेकंड में है वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री हमें मिल गया, तो वन बाय थ्री स्केयर रूट, फिर बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन हमने पहले ही कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। ये केस है प्यारे बच्चों एलिप्स का, और एलिप्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक दे रहा हूं छोटे क्वेश्चन के लिए, और छोटे क्वेश्चन के लिए क्या बड़े क्वेश्चन के लिए भी जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपको ये पता लगाना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसका जो एरिया होगा उसका ये फॉर्मूला याद कर ले कि इसका जो एरिया होगा वो पाई ए बी होगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यानी कि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बस आपको, एक ए स्क्वायर 16 है तो ए 4 है और बी हमारे पास 3 है, तो यहां पर रख दें आप इसमें ये 4 है और ये 3 है, तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 12 पाई स्क्वायर यूनिट 9 पाई स्क्वायर यूनिट 12 पाई स्क्वायर यूनिट 16 पाई और नदर दिस, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट, पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप कैसे चुटकियों में आंसर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 1, इसका एरिया निकालना है, तो ये हमारे पास एलिप्स है, ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 4 है, तो 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स,
अगर वो कहता है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो चार पार्ट बनेंगे, एक क्वाड्रेंट में निकालना है तो फोर से डिवाइड कर देंगे, अबव एक्स एक्सिस तो टू से डिवाइड कर देंगे, वही सर्कल वाला केस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाई एबी स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप एरिया ऑफ एलिप्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का, आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और जो बोर्ड द्वारा जारी पैटर्न है उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 3 क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हमारे पास कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए आ जाएंगे, तो 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क और 1 मार्क, तो टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यूज है जिसमें, तो उसमें जनरली एक में ऑर्डर पूछ लिया जाता है और एक में डिग्री पूछ ली जाती है, तो ये 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात प्यारे बच्चों यहां नोट करने वाली बात है कि चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से एक्सरसाइज 9.3, इसमें से एक्सरसाइज 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कोविड-19 की वजह से इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है और साथ ही मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसके हटा दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इनको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं चैप्टर 9 के कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कहा गया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2y/dx2 यहां स्केयर का मतलब सेकंड ऑर्डर से है, मींस 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहां से इसका मतलब ये है, तो d2y/dx2 its whole cube + dy/dx its whole square + sin dy/dx = 1 is, तो यहां पे डिग्री बता दी है पहले बच्चों। अब यहां पे डिग्री के लिए आपको ये देखना होता है कि dy/dx d2y/dx2 या d2y/dx2, इस तरह से जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं उनमें से किसी की भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और किसी फंक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले उनको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचाना पड़ता है। अब आप देखिए हमारे पास जो dy/dx है यहां पे साइन के अंदर आ गया, sin dy/dx साइन का थीटा हो गया, एंगल हो गया इसका, तो इसको हम यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसकी पावर को जो नेचुरल नंबर में नहीं ला सकते। अब यहां से कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहां पे जो dy/dx है dy/dx d2y/dx2 या d2y/dx2, इस तरह से कोई भी जो टर्म है किसी फंक्शन के अंदर ना हो, जैसे यहां पे साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, ये लोग के अंदर चलेगी, तो इस तरह से वहां पे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। तो यहां से जो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते। अब प्यारे बच्चों ये भी यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे होता d2y/dx2 d2y/dx2 that is 1 + dy/dx square root. अब यहां पर dy/dx की पावर 1/2 है, लेकिन यहां तो हम इसका स्केयर कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx2 its whole square = 1 + dy/dx, तो हमने इसका स्केयर कर दिया। अब आप देखें ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर इज 2, जितनी बार डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर की बात है, और उसकी पावर है कितनी, डिग्री भी कितनी है हमारे पास, डिग्री का मतलब उसकी पावर कितनी है 2,
और प्यारे बच्चों देखो आप यहां सिंप्लीफाइड करने से पहले अगर देखते तो इसका ऑर्डर तो 2 ही रहता, डिग्री आपको 1 नजर आती इसकी, लेकिन डिग्री भी इसकी कितनी है 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। डीवाई बाई डी एक्स और उसके जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे इसकी वजह से ये सिचुएशन क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d2y / dx² - 3dy / dx + y = 0। इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर देखो कितना है, यहां पे dy / dx ऑर्डर 1, यहां पे ऑर्डर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, और तो कोई है नहीं है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। और प्यारे बच्चों इसकी डिग्री अगर की बात करें, डिग्री की बात करें तो डिग्री मीन्स इस जो हाइएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, उसकी पावर तो 1 ही है, 2 मत कर देना पावर, क्योंकि पावर तो इसकी कितनी है 1 ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री होगी इसकी 1। यहाँ पे तो हमसे ऑर्डर ही पूछा गया वैसे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। पहले बच्चों अब आप देखिए, मान लो आपके पास d²y/dx² दैट इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी है, हम इसको x की इक्वल मान लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो dy/dx रह जाएगा, यहां पे आ गया x का कितना हो जाएगा x²/2+c आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इधर से भी इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, y आ जाएगा हमारे पास, ये x³/2 6 हो जाएगा, c के साथ x लग जाएगा, एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं, तो ये इसका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब कह रहे बच्चों ऑर्डर इसका 2 था, तो जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आए 2, और अगर ऑर्डर 3 होता तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने आते 3, ऑर्डर 4 होता तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने आते 4। तो यहां पे पूछा गया है कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर कितने हो जाएंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने हो जाएंगे 4 आ जाएंगे इसमें, देखो ऑर्डर 2 में 2 आए हैं तो ऑर्डर 4 में 4 आ जाएंगे, और जब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें c1 और c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होता। तो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर आर, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो यहां पे हो जाएंगे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 0। तो जनरल सॉल्यूशन में तो जितना ऑर्डर होता है उतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें कि dy/dx That is equal to e^x + y है, और यहां पे हमसे पूछा गया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखो ये वेरिएबल सेपरेशन का हमारे पास क्वेश्चन है कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं जिसमें हम, यानी कि 9.4x है इसे, एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई वाली एक तरफ, e^x e^y बेस से मैं तो पावर एड हो जाती है, तो इनको एड को मल्टीप्लाई में ले दिया। अब dy/e^y और e^x के साथ dx, इसको लिख दिया ऊपर e^-y dy और ये e^x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e^-y/ कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे कितना आ जाएगा -1 कोएफिशिएंट ऑफ y, अब यहां पे e^x का तो यही होता है प्लस c। अब प्यारे बच्चों c इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां से ये हो गया -e^-y दैट इज इक्वल टू e^x + c, ये बना हमारे पास। अब आप इनको इनके साथ मैच करें, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे क्या है हमारे पास, देखो पहले ऑप्शन में आ रहा है e^x + e^-y = c, ऐसा नहीं है ये,
अगर इसको इधर ले गए तो ये सारे एक साइड में हो जाएंगे प्लस के। दूसरा इरेस टू पर एक्स प्लस इरेस टू पर, ये तो है ही नहीं है, इरेस टू पर माइनस वाई है, इसमें दोनों माइनस, ये इरेस टू पर माइनस एक्स हो गया, ये भी हमारा नहीं है ऐसा भी, यहां दोनों प्लस होने की वजह से नहीं हुआ, यहां इरेस टू पर एक्स तो प्लस का, इरेस टू पर वाई माइनस का है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहां दोनों माइनस के होंगे, ये भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, यानी कि पहले वाली सिचुएशन कुछ लग रही है। लेकिन अगर हम इसको इधर लेके जाए तो हमारे पास आ जाएगा इरेस टू पर एक्स प्लस इरेस टू पर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बनता है हमारे पास तो। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब इसके दूसरे केस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा कि ये जो हमने सी इधर लगाया है इस तरफ लगा के देखते हैं, तो सी तो कोई सी भी साइड पर लगा सकते हैं, तो ये इरेस टू पर माइनस इरेस टू पर माइनस वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू इरेस टू पर एक्स, यानी कि सी मैंने अब की बार इस साइड में लगाया है इस तरफ, तो सी इधर आ गया इरेस टू पर एक्स प्लस इरेस टू पर माइनस वाई, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, तो आ गया इरेस टू पर एक्स प्लस इरेस टू पर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू सी। यानी कि मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट है उसका साइन तो चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी का सेम रहना चाहिए। तो यहां पर देखो आप, अगर मैं इसको इधर लिखूं तो ये माइनस सी होगा और हमारा प्लस सी बन रहा है, तो कॉन्स्टेंट का तो साइन चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी का सेम रहना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका मतलब एक्स की साइड में सी लगाने से नहीं मैच हो रहा कोई भी, तो आप एक बार वाई की साइड में सी लगा के और फिर मैच करके देखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो तेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, जिसमें हम क्या करते हैं y की जगह पे vx पुट कर देते हैं, y की जगह पे vx पुट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन dx डिवाइड बाई वाई, लेकिन ये तो हम जब पुट करते हैं जब dy बाई dx दैट इज इक्वल टू h ऑफ y डिवाइड बाई x की फॉर्म में हो। अब की बार देखो क्या कह रहा है कि किस फॉर्म में है, dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू h फंक्शन x डिवाइड बाई वाई की फॉर्म में है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया, तो अब की बार क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई। ये तो पूछा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन तो dy बाई dx इज इक्वल टू h y बाई x टाइप के हैं, लेकिन ये उसका उल्टा कर दिया, dx डिवाइड बाई dy दैट इज इक्वल टू h x बाई वाई कैन बी सोल्व बाई मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, क्या x इज इक्वल टू वी वाई, पहले में y इज इक्वल टू वी एक्स, नहीं वो तो dy बाई dx टाइप की होती है उसमें करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, x इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है बिल्कुल, y की जगह पे x आ गया और x की जगह पे y आ गया, तो c c इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्यारे बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हर एक टर्म की जो पावर है वो सेम रहती है। अब देखो यहां पे 4x से पावर हमें 1 मिल जाएगी, 6y से पावर 1 मिल जाएगी, यहां पे पावर है ही नहीं हमारे पास, ये तो कॉन्स्टेंट है तो ये तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहां पे देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, तो टोटल पावर 2 होगी, ये 3 है ये 3 है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये पावर 2 ये पावर 3, यहां पे x क्यूब है पावर 3 है, यहां x स्क्वायर है पावर 2, ये भी नहीं हो सकती। यहां पे देखो y स्क्वायर पावर 2, x स्क्वायर पावर 2, x रेस टू पावर 1, y रेस टू पावर 1, 1 और 1 पावर 2, y स्क्वायर की भी पावर 2, तो सबकी पावर 2 है, यानी कि यस दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी टॉपिक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। प्यारे बच्चों चैप्टर 12 से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लिए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। प्यारे बच्चों इसका कारण यह है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से जो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा 12th चैप्टर है, चैप्टर 12 है, इसमें से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स
का इस चैप्टर 12 से आना है और एक ही क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स का, यानी कि वो हमारे पास ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तो इस वजह से हमने उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 13 की जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले बच्चों यहां पे 9 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आ गए, 9 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आ गए। तो यहां से जो आमतौर पे जो पैटर्न बन रहा है, जो ज्यादा संभावना है वो इस तरह से है कि एक क्वेश्चन तो आपके पास 4 मार्क्स के लिए आ जाए, एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के लिए आ जाए और 3 क्वेश्चन आपके पास 1-1 मार्क्स के आ जाए, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3-4 और 5 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और इनका टोटल करें तो 9 मार्क्स भी पूरे हो जाते हैं। संभावना यह है कि इसके हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आमतौर पर 3 ही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आप कह सकते हो इनको कि एमसीक्यूज है या ब्लैंक की फॉर्म में है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में 3 आते हैं। तो 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहले बच्चों देखते हैं, हमने बोर्ड पे 8 क्वेश्चंस लिखे हुए, 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि आप कितनी तैयारी है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ए की 5/26 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 5/13 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्यारे बच्चों अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल होगी। ए की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी 5/26 और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 5/13। ए की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास, बी की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी। तो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। अब आप देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5 × 5/26 × 13 और जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास 5/13। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट और फोर्थ इकट्ठे हो जाएंगे और ये इकट्ठे होंगे, यानी कि 5 और 13 इकट्ठे हो जाएंगे। यहां पे हमारे पास ये 26, 13 और 5 इकट्ठे हो जाएंगे, ये 13 इसके साथ कैंसिल, एक 5 इसके साथ कैंसिल, हमारे पास ऊपर रह गया 5 और नीचे रह गया 26। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास 5/26। तो ऑप्शंस में देख लें आप, फर्स्ट ऑप्शन में ही 5/26 है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, यानी कि दो डाई चालू है। तो कह रहे बच्चों टोटल केसेस तो कितने हो जाएंगे, 36, तो डिवाइड में तो 36 आएगा। अब दोनों डाई पे कैसा नंबर चाहिए, वैसे हो क्या सकता है कि पहले डाई पे 1 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 इसी तरह से 2 1 ऐसे 2 6 चलता रहेगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 ये हमारे पास टोटल 36 केस हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर आएगा। अब देखो डाई पे आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से इवन नंबर है 2 3 और 5 और उसमें से भी इवन प्राइम नंबर है सिर्फ 2, तो पहले वाली डाई पे भी 2 आए और दूसरी डाई पे भी 2 आए, यानी कि ये तो एक ही संभावना है कि 2 2 हो बस, और तो हो ही नहीं सकता कोई, तो एक ही केस फेवर कर रहा है, टोटल केस है 36, फेवर कर रहा है एक,
वन कर रहा है फेवर तो वन डिवाइड बाय 36, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक ही केस फेवर कर रहा है कौन सा, टू टू वाला, क्योंकि इवन प्राइम नंबर कह दिया उसने, क्या कह दिया, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो तो कैसा हमारे पास क्या हो सकता है, टू, और दोनों जगह पे हो, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी, तो टू टू ही हो सकते हैं। तो एक ही केस बना हमारे पास, तो वन डिवाइड बाय 36 प्रोबेबिलिटी होगी, वन डिवाइड बाय 36 हमारा बी ऑप्शन है, तो फिर बच्चे ये हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए की 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी की 0.6 है, एंड ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। तेरे बच्चों अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी की मल्टीप्लाई की, ये तो आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर आ गया क्वेश्चन में। तो ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है, इंडिपेंडेंट इवेंट बता दिया, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखो तेरे बच्चों एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 हो जाएगा। तो यहाँ वन वर्ड फॉर्म में था क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.18, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, इसको हम हटा देते हैं यहां से। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं, तो हम फर्स्ट थ्री को हटा देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की दे रखी है 0.7, ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, यहां पे था फाइंड प्रोबेबिलिटी बी की, या प्रोबेबिलिटी ए बी इज, देन यहां से लिख सकते हो देन पी बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इनमें से कौन सी है। अब देखो क्या बच्चों, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी के। अब यहां पे क्या समस्या आएगी, बी की तो देंगे रखी, ए की तो दे रखी, बी की दे रखी, यूनियन दे रखा है, यूनियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू है 0.7, ए की वैल्यू है 0.6, प्लस बी हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, या तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पी मान लो, इसको पी मान लिया, माइनस इंटरसेक्शन किसके इक्वल था, इसके इक्वल है, इसमें इसकी तो वैल्यू 0.6 है और इसकी वैल्यू पी है मल्टीप्लाइड बाई पी, ये कर लिया आप, बी रहे पी भी रखना चाहते हो तो पी भी रख दे, हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए पी मान लिया या एक्स मान लिया। अब देखो इसको इधर गया 0.7 माइनस 0.6, ये पी माइनस 0.6 पी है, ये रह गया 0.1, और ये देखो 1 पी है, ये 0.6 पी है, यानी कि 0.4 पी रह गया, तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में चला जाएगा 0.4, देखो डेसिमल के बाद यहां पे भी 1 डिजिट, यहां पे भी, इसको कैंसिल करके हम कितना लिख सकते हैं 1/4। तो पी भी हमने किसको माना था, बी को, यानी कि प्रोबेबिलिटी बी की हमने पी के इक्वल मानी थी, तो ये कितनी आ गई 1/4। तो आप ऑप्शन में देख ले क्या 1/4 है कहीं पे, यस ये हमारे पास 1/4, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए कार्ड इज डन फॉर्म ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला एंड देन सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे पहला कार्ड 52 में से निकलेगा और दूसरा कार्ड 51 में से निकलेगा, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वीन, दोनों की दोनों क्वीन हो, तो तेरे बच्चों क्वीन होती कितनी है 4, कितने में से निकलेगी
52 में से। अब देखो प्यारे बच्चों, पहला कार्ड कितने में से निकलेगा? 52 में से। दूसरा कार्ड कितने में से निकलेगा? 51 में से। हमें क्या चाहिए? क्वीन। क्वीन पहले कितने में से निकलेगी? 3 में से। और दूसरी कितने में से निकलेगी? सॉरी, पहले कितने में से निकलेगी? 4 में से, क्योंकि 4 क्वीन होती है। और दूसरी क्वीन, क्योंकि कार्ड को वापस तो डालना नहीं, तो दूसरी क्वीन कितने में से निकलेगी? 3 में से। उसने कहा था बोथ दी कार्ड्स आर क्वीन, तो ये आ गया हमारे पास। तो आप इसमें देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 4 बन जाए और ये 13 आ गया, या 3 बन जाए और यहाँ 17 आ गया। तो ये तो 1 हो गया, और 91 से 1 और ये 220 आ गया हमारे पास, 1/221। तो आप चेक कर ले क्या कहीं है। ए में है 2/221, बी में है 3/221, सी में है 1/221। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया मेरे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ए की 1/2 है, प्रोबेबिलिटी बी की 0 है, देन प्रोबेबिलिटी ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए बाय बी इज, क्या होगी? अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। देखो B की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी? 0। इंटरसेक्शन की तो पता नहीं, लेकिन B की 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो हम लिख देंगे इसको इज नॉट डिफाइंड। तो ये वन वर्ड की फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये ब्लैंक की फॉर्म में कह लो आप कि इसमें इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 बार्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब की बार विद रिप्लेसमेंट है, यहां पे कार्ड्स थे वो विदाउट रिप्लेसमेंट थे। अब टोटल बार्स कितनी है? 4 और 6, 10 बॉल है। टू बॉल्स निकाली है विद रिप्लेसमेंट, जब पहली बॉल निकाली फिर उसको वापस डाल दिया, फिर दूसरी निकाली है, यानी कि पहली बॉल भी 10 में से निकलेगी और दूसरी बॉल भी 10 में से निकलेगी। फाइंड दी प्रॉपर्टी दैट बोथ दी बॉल्स आर ब्लैक। अब दोनों ब्लैक हो, प्यारे बच्चों पहली बॉल कितने में से निकलेगी? 10 में से, और दूसरी कितने में निकलेगी? 10 में से, क्योंकि बॉल को वापस डाल दिया था। अब कैसी हो ब्लैक? पहली ब्लैक आने की प्रॉपर्टी कितने में से होगी? 6 में से। दूसरी वो भी 6 में से, क्योंकि वापस डाल दी गई थी, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये 3, ये 5, यहाँ पे 3 और ये 5, तो ये 9/25। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चेक करेंगे 9/25 है, हमने फर्स्ट में ही हमारे पास 9/25, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है मेरे बच्चों फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्स और पी एक्स प्रोबेबिलिटी दी हुई है, रैंडम वेरिएबल दिया और उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू पूछी गई है। तेरे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रॉपर्टीज है इनका जो सम है वो कितना होगा? 1 होगा, इसका टोटल 1 होगा। तो अब आप इसका टोटल करेंगे, देखो ये 0.1 तो ऐसे ही दिया, प्लस के 2k, 2k और k, ये 6k हो गए, 0.1 और ये 6k, इक्वल टू किसके होगा? 1, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टीज का, सारी प्रॉपर्टी का जो सम है वो 1 होगा। तो 6k दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो 6k इज इक्वल टू 0.9, तो k इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 6 आ रहा है। ये लिख दिया हमने, अब ये पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया और ये 10 लगा दिया, तो ये हट जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 आ गया और ये 2 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 3/20, 2k और 10 की मल्टीप्लाई 3/20। 3/20 तो यहाँ है नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 है यार 20 पे, 0 डेसिमल लग गया, 1 पे 20, 10 रह गए और 5 पे 100, 0 हो जाएंगे, तो 0.15 फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही है, 0.15, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही,
लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।